ना धीरता ना रे भाई विनोद जी, मैं आपसे दहेज मांग ही लेती हूँ, है ना? एक काम करिएगा, लक्ष्मी के साथ किशोरी को भी अग्निहोत्री मेंशन में भेज दीजिएगा। अब भाई क्या स्वाद है समोसे का। तो फिर समझे दादी जी, आपकी इच्छा पूरी हो ही गई। कहा? क्योंकि ये सब हमारी लक्ष्मी बिटिया ने बनाया है। हाँ? वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, जादू है तुम्हारे हाथों में, है ना? अब तो मेरी होने वाली बहू को इनाम मिलना ही चाहिए। इधर आओ बेटा। बैठो बैठो, ये लो। पहली बार तुम्हारे हाथ का खाया ना बेटा, ये उसका शगन है। और शादी के बाद ऐसे ही समोसे बना के खिलाती रहना मुझे। आप कुछ लीजिए ना। नहीं नहीं, प्लीज, थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। समदी जी, शर्म ना भूख की दुश्मन होती है। अगर आपको ये प्लेट नहीं चाहिए ना, तो रहने दीजिए, मैंने वहाँ परोसा हुआ है। आपको जो भी पसंद है ना, आप ले लीजिए। हाँ, खाइए ना। दुक्कू, कुछ तो खा बेटा। डैड, प्लीज कुछ तो लीजिए ना। ये क्या, आप सिर्फ एक बिस्किट खाएंगे? आपने तो कुछ भी नहीं खाया है। ससुर जी ने तो कुछ खाया ही नहीं, अब तक नाराज हैं क्या? लगता तो नहीं। ओह, इन्हें तो छुरी काटे से खाने की आदत होगी। लक्ष्मी तू भी ना, तभी अभी तक कुछ नहीं लिया, पर हमारे यहाँ तो ये सब। चम्मच लाकर देती हूँ इन्हें। अरे लक्ष्मी, ये चम्मच क्यों लेके आई है? समझी, इसीलिए समधी जी नहीं खा रहे थे, है ना? अरे वाह बेटा, अभी से ही तू अपने होने वाले ससुर जी को समझ गई है, हाँ? चल दे दे दे, लीजिए, आपके लिए है। देख लक्ष्मी, कितना प्यार से तेरे लिए चम्मच ले आई है। हाँ समदी जी, अब तो अपने होने वाली बहू के हाथ का बना कुछ तो खा लीजिए। मैं जानती नहीं थी कि आपको क्या पसंद होगा, इसीलिए समोसा बना दिया। एक बार ट्राई करके देखिए ना।
एक टिश्यू पेपर मिल सकता है? डुग्गू, तू टिश्यू कब से खाने लगा? क्या माँ अभी? नहीं समती जी, टिश्यू तो हमारे घर में नहीं है। शर्मा जी के पास होगा। हाँ। ए बबलू, जा तो शर्मा अंकल से लेके चल, जल्दी जा, जल्दी जा। तोड़ के जा बेटा। जब तक टिश्यू आते हैं, तब तक कुछ तो खाइए आप, खाइए ना। देख डुग्गू, तूने लक्ष्मी के हाथ का बनाया हुआ पहली बार खाया है, चल शगुन तो बनता ही है। दे दे। लक्ष्मी आ जाओ बेटा, ले लो। कंजूस गिन क्या रहा है, पूरे दे ना। हुआ, ये लीजिए टिश्यू। समती जी टिश्यू। मुझे दीजिए। हाँ, इसे दे दीजिए। खाना पीना हो चुका है, मेरे ख्याल में अभी हमें चलना चाहिए। चल अर्जुन, अब तो निकलना ही होगा, अब तो कोई बहाना भी नहीं बचा। अच्छा विनोद जी, हम चलते हैं, एक दो दिन बाद मिलके शादी की बाकी बातें भी तय कर लेते हैं। आप जैसे मुनासिब समझिए, जो कुछ भी हमसे हो सकेगा मैं अपनी बेटी के लिए जरूर करूंगा। शादी में हमारे कोई 30-40 लोग ही होंगे, आपके जो भी मेहमान हो हमें बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके आमंत्रित मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल विनोद जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दादी जी, आपकी तरफ से शादी में कितनी लेडीज आने वाली है ना, जरा मुझे बता दीजिएगा। वो क्या है ना कि शगुन की साड़ियों का ऑर्डर देना है ना, ऑर्डर तो बहुत बड़ा होगा ना, तो साड़ी वाले को ना पहले से बताना पड़ेगा। जी, लिस्ट तैयार होते ही हम आपको बता देंगे। जी जी, ये बातें तो घर जाकर भी हो सकती हैं, अब हमें चलना चाहिए। खुश रहो। अरे नहीं नहीं, इसके पैर नहीं छूने।
खुश रहो। अच्छा विनोद जी, हम चलते हैं। जी दुगो चलो। चले अरे वाह, मेरे साथ रहकर तुम काफी कुछ सीख गई। सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम भी ना, तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही ट्रैक पर चलता है। मैंने तुम्हें इसलिए रोका है क्योंकि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू, आज हमारी तरफ से खातिरदारी में छोटी मोटी कमी रह गई। कभी पंखा नहीं चल रहा था तो कभी टिश्यू पेपर नहीं था, और तुमने सब संभाल लिया। आज बाऊजी बहुत खुश लग रहे थे। पता है बाऊजी मेरी और दीदी की शादी के लिए पैसे कब से इकट्ठा कर रहे हैं? जब से हम स्कूल में पढ़ते थे। स्टेशन से घर पैदल चलकर आते थे ताकि जो पैसे बचे उसे हमारी शादी के फंड में डाल दें। हम दोनों की शादी अच्छे से हो जाए, बस यही उनका सपना है हमेशा से। आज तुम्हारा परिवार हमारे घर आया, शादी की बात हुई, तुम्हारे परिवार ने हमारा मान रखा, इसलिए थैंक यू। थैंक्स मुझे कहना चाहिए, तुमने डैड का इतना ख्याल रखा। थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ, सब इंतजार कर रहे हो। और हाँ, घर पहुंच के मैं तुम्हें फोन करूँ, सो मत जाना। ऐसे घर में सिर्फ अर्जुन की खुशी के लिए कदम रखा था मैं, अपना अपमान करवाने के लिए नहीं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि अर्जुन मेरा बेटा होकर ऐसे जाहिलों से रिश्ता जोड़ने जा रहा है, ऐसी लड़की को अपनी बीवी बनाने जा रहा है जिसे ना खाने की तमीज हो ना जीने की। टॉयलेट पेपर और टिश्यू पेपर जिन लोगों के लिए एक हो, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। दुगू, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन लक्ष्मी और उसके परिवार के बारे में भी तो सोचो। वो लोग कितने सीधे और सिंपल लोग हैं। सिंपल ही नहीं, गरीब, छोटे और हमसे बहुत अलग। उनका हमसे कोई मुकाबला है ही नहीं। फिर भी तुम्हारे स्वागत और आहो भगत में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। दुगू, लाइट चली गई और अंधेरे में तुम गिर पड़े, इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। फिर भी होने वाले समधी के नाते किशोरी तुम्हारे लिए मरहम लेकर आई, विनोद जी पंखा झेलते रहे और तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए खाना परोसा, भाग के जाके चम्मच ले आई, ये सब अच्छा है या तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देती दुगू? सच तो ये है बेटा कि अर्जुन की खुशी अब लक्ष्मी के साथ है, दोनों की किस्मतें जुड़ गई हैं। अब भलाई इसी में है कि तुम लक्ष्मी और उसके परिवार को खुले दिल से अपना लो। और रही बात लक्ष्मी की, वो लड़की तो एक कच्चा घड़ा है, जब ससुराल आएगी हमारे परिवार में घुल मिल जाएगी तो वो भी हमारे रंग में रंग जाएगी, देखना। दुगो सुनिए, ना धीरता ना रे